नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत श्रीमाली। स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल लाइफ ओके पर। आज अपन बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि का 2019 कैसा रहेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या करना चाहिए, सब कुछ आपको आज मैं बताऊंगा। आपके लिए मैंने पूरा 2019 में शास्त्रों के अनुसार कुंडली बना करके पूरा विवरण में लिख करके लाया हूँ। आज आपको जो भी मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ वो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूर्ण सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और उपाय कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके घर में कुछ भी यदि कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से, जो मेरा फोन नंबर आ रहा है आपको शो कर रहा है नेट के ऊपर, जो ये मेरा वीडियो के ऊपर जैसे इस वीडियो शुरू होता है उस समय मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के ऊपर भी मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। चलिए अपन चलते हैं धनुराशि के बारे में, क्या है क्या नहीं आज अपन बात करते हैं। मैं जो लाया हूँ लिख करके आज आपसे पूर्ण डिटेल में मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2000 राशिफल 2019 धनु राशि के बारे में मैं आपको कैरियर संबंधी आपको मैं बता देता हूँ, और भी आपको कई बातें बताऊंगा। उससे पहले आपको कैरियर शुरुआत करते हैं अपन कैरियर से। 2019 के अनुसार कैरियर के ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अपने कैरियर में आपको उतार देखने को मिल सकता है, चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि जनवरी फरवरी में आपके कैरियर की गाड़ी गति पकड़ेगी। जैसे ही साल शुरू होगा आपके लिए धनु राशि वालों के लिए, तो उस समय जो आपके कैरियर की शुरुआत है वो बहुत ही अच्छी होगी और अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी के लिए ये अच्छा ऑफर आ सकता है, नई जॉब मिलने की प्रबल संभावना है और कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ कर्मियों से आपको सपोर्ट मिलेगा। सहकर्मियों के द्वारा भी आपको पूरी मदद मिलेगी। अपने कार्य में समय रहते पूर्ण करें, कोई भी कार्य उसको अधूरा ना छोड़े, समय रहते हुए उसको आप पूर्ण करें। और पूर्ण आपको इसका 2019 जो आप पीछे से जो भी आप मेहनत करते हुए आए हैं, जो आपको फल नहीं मिल रहा है, वो आपको 2019 के अंदर धनु राशि वाले को पूर्ण फल मिलने की संभावना है। और मैं आपको बता देता हूं कि इस समय नौकरी के आपका प्रमोशन हो सकता है अथवा आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अहंकार को जगह न दे, आपको घमंड कभी भी नहीं करना है, वरना आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। आपके विरोधी आपकी कामयाबी से जलेंगे। कहने का मतलब जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, जो भी आपसे मित्रता है वो भी जल सकते हैं। कहने का मतलब क्योंकि जो आप 2019 में कामयाब इंसान बनेंगे तो उस समय आपके लिए दुश्मन थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। जिससे आपको मैं बता देता हूं कि आप जो हैं शत्रु आपके खिलाफ कोई साजिश भी रच सकते हैं, आप उनके जाल में न फंसे और इस बात का ख्याल रखना अवश्य है कि हालांकि आपको इस वर्ष ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है जिसमें आपको निराशा, असफलता, कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ेगा। इस दौरान आपको कैरियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके मन में कैरियर को लेकर भय भी बना रह सकते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में खुद मजबूत बनाएं और कार्य क्षेत्र में दुगनी मेहनत करें, फिर आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। कहने का मतलब है कैरियर से संबंधित 2019 का जो साल है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें से मैं आपको 5 स्टार में से 4 स्टार प्रदान करता हूँ धनु राशि वालों के लिए। जो भी धनु राशि वाले साधक हैं, जो भी साधिकाएं हैं, जो भी शिष्य हैं, कहने का मतलब उन सभी को मैं यह आज संदेश देना चाहता हूँ कि आप पूर्ण मेहनत से लग जाइए, 2019 आपके लिए सफलता के साधन लेकर के आ रहे हैं। 2019 के अनुसार आर्थिक जीवन ये साल आपके लिए आर्थिक पक्ष से बहुत ही खास रहेगा। इस साल आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी परंतु आमदनी भी भारी वृद्धि की संभावना है। आमदनी में भारी वृद्धि की संभावना है। कहने का मतलब यदि आप 10 लाख रुपए साल का कमा रहे हो, यदि 5 लाख कमा रहे हो तो उनसे आप डबल कमाने लग जाओगे। कम मेहनत के बावजूद भी आपके पास धन आएगा, हालांकि फिर भी आप मेहनत करने से नहीं चूकेंगे, जिसका आपको दोगुना फल मिलेगा। अच्छा होगा कि अपने खर्चों को सही अवलोकन करें, इससे आपके अनावश्यक खर्चों में रोक लगेगी और धन की बचत होगी। जनवरी फरवरी मई और अक्टूबर में आपको धन लाभ होगा। जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, मई महीने में और अक्टूबर में आपको जो है पूर्ण रूप से धन लाभ होगा। इस समय आर्थिक क्षेत्र में परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी और विभिन्न स्रोतों से आपको आर्थिक मदद मिले। पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी। आपके परिजन आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। यदि आप कोई व्यापार अथवा कारोबार करते हैं उसमें आपको आर्थिक मुनाफा होगा और आपके व्यापार में विस्तार संभव है। व्यापार का जो भी आप व्यापार करते हो उसका विस्तार पूर्ण रूप से संभव है। देश विदेश में भी आर्थिक रिश्ते बेहतर होंगे।
देश विदेश में भी आपके व्यापार संबंधी रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। रुका हुआ धन आपके पास आएगा, आर्थिक फैसले लेते समय आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आप अनुभवी लोगों की सलाह ले सकते हैं। आर्थिक निवेश से भी आपको लाभ मिलने की पूर्ण उम्मीद है। शेयर बाजार में आपको धन लाभ होगा, आपकी लॉटरी भी लग सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने पर आप कोई नया वाहन या फिर कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं, या भूमि इस साल है 2019 में आप भूमि खरीद सकते हो और कोई भी नया वाहन भी खरीद सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदी से आपका धन खर्च हो सकता है। कहने का मतलब आर्थिक जीवन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है 2019 में। चलिए फिर अपन चलते हैं शिक्षा बच्चों के लिए। वार्षिक राशिफल 2019 धनु राशि के लिए छात्रों के लिए यह साल सामान्य रहेगा। यदि छात्र मेहनत करेंगे तो इस साल सामान्य से बेहतर हो सकते हैं। परीक्षा के दौरान आपको पढ़ाई में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, अन्यथा इसका असर आपके आने वाले रिजल्ट पर पड़ेगा। छात्रों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सचेत हो जाइए, पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत ही खराब परिणाम ला सकते हैं। पढ़ाई में आने वाली दिक्कतों का थोड़ा सामना करना पड़ेगा। पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे और आप इन चुनौतियों को मात देने में सफल रहेंगे। पढ़ाई में सिलेबस को समझने और आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे विषयों में समझने और अपने गुरुजनों और सहपाठियों की मदद लें। तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह साल थोड़ा चैलेंजिंग वाला रह सकता है। उन्हें सफलता के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। कला वर्ग के विद्यार्थियों को अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और उच्च शिक्षा प्राप्ति विद्यार्थियों के सामने किसी प्रकार की मुसीबत आ सकती है, परंतु आप अपने प्रयासों से इस मुसीबत को दूर करने में सफल रहेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें। कहने का मतलब आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, पूर्ण रूप से आपको भटकना नहीं। यदि आप अपने लक्ष्य से भटकते हैं, दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो इस साल आपका बर्बाद हो सकता है। चलिए फिर अपन चलते हैं 2019 धनुराशि। पारिवारिक जीवन, इस वर्ष पारिवारिक जीवन में आपको नयापन देखने को मिलेगा। इस वर्ष अपने प्रोफेशनल वर्क में बिजी रहने के कारण परिवार को समय कम दे पाएंगे। इस कारण आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अपने पेशेवर पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाना होगा। यदि आप ऐसे करने में सफल रहे तो आपके परिवार में खुशी आएगी और आप अपने परिवारजनों की खुशी के कारण बनेंगे और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भलीभांति समझेंगे। इस वर्ष का अधिकांश हिस्सा आपको पारिवारिक खुशियां देगा। घर में सुख शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। परिवारजनों के बीच प्रेम पूर्ण संबंध रहेंगे। ऐसा भी संभव है कि इस वर्ष आपके घर में किसी की शहनाई गूंजेगी। कहने का मतलब आपको जो है, यदि घर में धनु राशि वालों के लिए यदि कोई प्रेग्नेंट है महिला, तो उसको पूर्ण रूप से बच्चा होने की संभावना है। नया मेहमान आने वाले हैं, कृष्ण भगवान घर पर आने वाले हैं, तो इस वर्ष आपके घर में शहनाई गूंज सकती है। घर में परिजनों का स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहेगा। माता पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, ऐसे में उनका ख्याल रखें और उनकी सेवा करें। वही आपके छोटे भाई बहन अपने कामों में तरक्की करेंगे। अपने परिजनों से की मदद से आप कोई नया घर भी खरीद सकते हैं अथवा बनवा सकते हैं। कहने का मतलब प्रॉपर्टी खरीदने के पूर्ण योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए 2019 बहुत ही खुशियां लेकर के आ रहा है। भाई और बहनों के द्वारा आपको आर्थिक मदद भी प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के साल 2019 आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत ही उत्तम रहने के संकेत दे रहा है। कहने का मतलब इसमें 5 स्टार में से आपको पूर्ण रूप से मैं 5 स्टार दे रहा हूं। फिर अपन चलते हैं वैवाहिक एवं संतान का जीवन। मिला जुला 2019 मिला जुला रहने संकेत दे रहा है। इस वर्ष आपको शादीशुदा जीवन में बहुत ही प्रेम बढ़ेगा और पति पत्नी के बीच बहुत ही प्रेम बढ़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनके प्रति समर्पण का भाव रखें। यदि किसी प्रकार की जो भी संभावना है उसको पूर्ण रूप से बैठ करके सॉल्यूशन करें और जीवन साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उनकी जरूरतों को पूरा करें। और इस वर्ष आपकी संतान अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करेगी। संतान सुख प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। इस साल है आपको संतान सुख प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैचारिक रूप से वह परिपक्व होगी, परंतु जून और अगस्त माह में उनकी सेहत की देखभाल करें और इस समय उनके स्वास्थ्य में कमी देखी जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में संतान के द्वारा अच्छा प्रदर्शन होगा और जीवन साथी की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। और आपका कहने का मतलब है
शादीशुदा जो जिंदगी है 2019 का वर्ष है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फिर अपन चलते हैं धनु राशि के लिए स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य आपका क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। 2019 के अनुसार धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य जीवन इस साल सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। मार्च और अप्रैल समय में अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा उत्तम रहेगा। फलादेश के अनुसार आपके इस वर्ष बोले तो थोड़ा छोटी मोटी बीमारी आ सकती है, ज्यादा कोई खास बीमारी नहीं है। जनवरी और फरवरी के समय अपनी सेहत का पूर्ण ध्यान रखें। इस समय आपको थोड़ा सा खांसी बुखार है, सिर दर्द है आदि थोड़ी समस्या आ सकती है छोटी मोटी। कहने का मतलब छोटी मोटी हो उसको पूर्ण रूप से डॉक्टरी इलाज दें, लापरवाही नहीं करें बिल्कुल भी। वही वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें और मानसिक तनाव में नहीं रहे। इस विपरीत असर पर आपको स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कहने का मतलब है आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है फालतू का, आपको तो सिर्फ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना। हालांकि खुद को तरोताजा बनाने के लिए आप किसी ट्रिप पर जा सकते हैं या एडवांस ट्रिप को आपको बेहतर हो सकता है। वही योग व्यायाम से आप अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि अपने 2019 में धनु राशि वालों के लिए बहुत ही समय अच्छा आ रहा है। चलिए यही बात तो हो गई पूरा आर्थिक जीवन की हो गई, स्वास्थ्य की हो गई, कैरियर की हो गई। अब मैं धनु राशि वालों के लिए उपाय बताने जा रहा हूं कि आपको क्या-क्या उपाय करने चाहिए 2019 में। अपने घर से दूर किसी पार्क अथवा मंदिर में पीपल का वृक्ष लगाएं तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसकी पूजा करें। या तो आप मंदिर जाकर के पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं या किसी पार्क के अंदर आप पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं और उसकी पूजा करें। शनिवार के दिन काले तेल, काला कपड़ा, साबुत उड़द, सरसों का तेल और तिल्ली का तेल और लोहा, इन पांच वस्तुओं का दान करें। कहने का मतलब शनि मंदिर के अंदर है, आप इन पांच वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और श्री रामचरित्र मानस अथवा महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण का नित्य भी प्रति आप पाठ कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। कहने का मतलब जो मैंने आपको ये उपाय बताए हैं वो आप उपाय संपन्न कर सकते हैं। और धनु राशि वालों के लिए शनि कवच और राहु कवच को भी आप धारण कर सकते हैं या फिर आप नवग्रह कवच को धारण करें। और व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापार में व्यापार वृद्धि यंत्र सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित को आप स्थापित करें, वो आप हमारे द्वारा मंगवा सकते हैं। कहने का मतलब मैं आपको कह सकता हूं कि आपको जो मैंने उपाय बताए हैं वह आपको पूर्ण रूप से संपन्न करने हैं ताकि आपका 2019 खुशियों से भरा रहे, आपकी संतान खुशियों से भरी रहे, खुशल रहे। यही मेरा पूर्ण रूप से आपके लिए आशीर्वाद है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं उसको आपको पूर्ण रूप से संपन्न करना है। इसी के साथ ही मैं अपनी बोली को विश्राम देता हूं। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।